प्रदेश की अनाज मंडियों में 14 अप्रैल तक गेहूं की 38.96 लाख टन फसल आ चुकी है। खरीद की बात करें तो इसमें 33.39 लाख टन गेहूं अब तक खरीदी जा चुकी है, पर गेहूं उठान महज 25% हुआ है। इससे उन किसानों की जान सूखी हुई है जिनकी फसल कटी हुई खेतों में पड़ी है या अभी पकी हुई तैयार खड़ी है। आ किसान सरदार जी नु जरा सुनो। मंडी च की परेशानी, तुसी पता के तड़ी आई है फसल, तानू की लग रहा केड़ी केड़ी परेशानी है मंडी च? परेशानी है कट्टे नहीं होंदे, की बंदा करे हुण, जिमीदार राती एडे मोटे मोटे मच्छर नहीं देने, की करे जिमीदार, ये चक्कर है ना। पानीपत की सातों अनाज मंडियां गेहूं से अटी पड़ी हैं। ये है बाबरपुर मंडी के आड़ती। अब समस्या तो सिर्फ थोड़ा बारदाने की थी, रात को अरेंज हुआ है, कुछ आया बारदाना 15,000 बैग रात को आए, 15,000 बैग सुबह आए हैं। लिफ्टिंग का है, लिफ्टिंग हो रही है तो स्पेस की कमी है। मौसम खराब होएगा तो बिल्कुल बारिश आएगी तो नुकसान ही नुकसान है। पेमेंट्स को लेके जैसे कुछ शिकायतें आ रही है, पेमेंट सर अभी पेमेंट स्टार्ट नहीं हुई, देखो जो कब होती है, अब होगी तो बताएंगे। कब से नहीं मिली पेमेंट? अभी स्टार्ट नहीं हुई जी, पेमेंट मिली नहीं अभी, अभी नहीं आई जी। दरअसल मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने किसानों, आढ़तियों और सरकार को एकदम चिंता में डाल दिया है। आनंद फानन में मंडियों में उठान तेज हो गया है। एक खास बात ये भी कि अनाज मंडियां अब सीआईडी अफसरों के लेंस में आ गई हैं। नहीं, यहाँ जो है पानीपत में तो हमें ये समस्या नजर नहीं आ रही है कि भाई लिफ्टिंग ना हो रही हो और बारदाने की बहुत ज्यादा कमी हो। कुछ कमी है, उसका प्रयास कर रहे हैं, वो हम जो है ना उसको और अवेलेबल कराएंगे ताकि समय पर लिफ्टिंग हो सके और बारदाने की कमी या किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। यानी हरियाणा की मंडियों में पहले 10 दिन अफरा तफरी और आरोपों में गुजर गए, 4 दिन ठीक काम हुआ। अब मौसम विभाग ने आंधी बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। ये तो अचानक रंग में भंग पड़ गया। हरियाणा में आज हम हवा का रुख देखें और आसमान की तरफ देखें तो मौसम बदलना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आज से हरियाणा में मौसम बदलेगा, कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है और ओले भी पड़ सकते हैं। ये खबर सुनते ही किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं और मंडियों में आज अचानक लिफ्टिंग का काम तेज हो गया है, शायद सरकार भी इस खतरे को भांप रही है। दूसरी चीज एक ये भी महसूस की जा रही है कि पानीपत करनाल की अनाज मंडियों में चूंकि फूड एंड सिविल सप्लाई, खरीद एजेंसियां, मार्केट कमेटी, इन अधिकारियों का कार्यप्रणाली ढीली है, शायद इसी वजह से आज सीआईडी के अफसर मंडियों में घूमने लगे हैं और आढ़तियों से मिल रहे हैं। यानी सरकार अब सीआईडी के भरोसे मंडियों की असलियत जानना चाह रही है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, बाबरपुर मंडी, पानीपत।